आजादी से पहले देश के लिए मर मिटने का जज्बा जरूरी था, लेकिन आजादी के बाद अब देश के लिए जीना जरूरी है। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, देश के लिए मरने और देश के लिए जीने की प्रेरणा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती है, जिनकी इस वर्ष 124वीं जयंती है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेताजी के जन्म जयंती के 125वें वर्ष के अवसर पर पूरे साल आयोजन होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन आयोजनों से भावी पीढ़ी को नेताजी के संघर्ष और बलिदान की जानकारी मिलेगी और उन्हें देश के लिए मरने और देश के लिए जीने की प्रेरणा मिलेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने युवा वर्ग से इन योजनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। 3 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि 3 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 125वीं जयंती आ रही है, तो एक साल भर तक यह अभियान चलेगा। जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 125वीं जयंती वर्ष, और पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाने का भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि नेताजी को उन्होंने जो सम्मान दिया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ऐसे नौजवानों की फौज खड़ी की कि उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और देश की आजादी में उनकी अहम भूमिका थी। इससे युवाओं में एक प्रेरणा मिलती है संघर्ष की, देश प्रेम की, देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की। आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, देश के लिए कुर्बानी देने की आवश्यकता थी, इसलिए हमारे नौजवानों ने, भारत माता के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर हमको आजाद कराया। लेकिन आजादी के बाद देश के लिए मरने की उतनी आवश्यकता नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।